नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स है उस पर काफी तेजी देखने मिला है। अगर आप बजट के पहले इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो अभी आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता। पीएसयू सेक्टर के जो बैंकिंग के जो स्टॉक है उसे हम काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। सिर्फ बैंकिंग ने सारे के सारे स्टॉक जो उसको काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि ये स्टॉक भी आपको अगर पोजिशनल ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, उसमें काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो जब भी आपको कभी भी पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको इन्वेस्ट करना है या उसको बाय करना है तो आप इन सारे स्टॉक पे भी ध्यान रखिए। जब भी ब्रेकआउट देता है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अब जो है यहाँ से करेक्शन हो सकता है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से मार्केट और भी जा सकता है, निफ्टी हमारा 15,000 है, 18,000 भी जा सकता है या हो सकता है यहाँ से करेक्शन भी आए। पीएसयू बैंक में जो सबसे अच्छा बैंक है जिसमें मैंने काफ़ी बार इन्वेस्ट करने भी आपको बोला होगा वो है SBI। लेकिन दोस्तों ऐसे आप पीएसयू स्टॉक को अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं मार्केट में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएसयू स्टॉक में आपको उतना बेहतरीन रिटर्न नहीं भी मिलेगा, लेकिन अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए कि हम वैसे स्टॉक में जो कि कभी मतलब पूरी तरह से मार्केट से डिलिस्ट ना हो जाए, मार्केट में पूरी तरह से क्रैश भी ना हो जाए जैसे यस बैंक, अगर उस तरह का मतलब सुरक्षा चाहते हैं तो पीएसयू स्टॉक काफ़ी सस्ते मिले, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से गिरने के चांस नीचे काफ़ी कम है, लेकिन अब तो ये जैसे SBI है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। अब यहाँ से इसमें काफ़ी गिरावट भी हो सकती है, लेकिन जब ये 150 रुपीज़ था तभी मैंने आपको बोला था कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके बात करें रिटर्न का तो देख लीजिए, इसका अगर हम रिटर्न करें इस बजट से पहले अगर बाय किए रहते तो 43% का रिटर्न मिलता। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको देखना है, क्योंकि अगर आप छोटे टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में जिसको पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं, तो आप जब भी ब्रेकआउट देता है इस तरह के स्टॉक तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ब्रेकआउट कैसे फाइंड करते हैं इसका सिंपल मैंने आपको बताया है नियम, कि जब ये 50-day, 200-day मूविंग एवरेज के नीचे हो तो वहां पर बाय करना है, जैसे ऊपर गया तो वहां बेच देना है। तो सिंपल स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से हम आपको बताएंगे कैसे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को फाइंड करना है और उसको जैसे 200-day मूविंग एवरेज, 50-day और 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर जाना है बेच के और उसको बाहर आ जाना है। तो इसका यहाँ पर रिटर्न आपने देख लिया 43% का है। अगर मैक्सिमम ईयर में रिटर्न की बात करें तो देखिए मैक्सिमम ईयर में रिटर्न जो है आपको कुछ खास इस सारे स्टॉक जो पीएसयू स्टॉक है उसमें आपको मिलने वाला नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात करें तो आप SBI में अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट होते हैं तो देखिए 2600% का तो मात्र इतना का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में कुछ खास आपको इस पीएसयू स्टॉक में मिलने वाला नहीं है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफी बेहतरीन सारे स्टॉक है। जब ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा रिटर्न देता है, जैसे बजट में इसके फेवर में कोई न्यूज आ गया, कोई फेवर में कोई नई पॉलिसी आ गया तो काफी तेजी देखने मिलता है इन पीएसयू स्टॉक में, जो भी पीएसयू स्टॉक है आपको बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी जो भी स्टॉक है। दूसरा है इंडियन बैंक, इसमें भी काफी तेजी है। अगर आप देखिए इसमें भी इन्वेस्ट किए रहते आप अगर 29 जनवरी को बजट से पहले तो यहाँ पर देख लीजिए 42% का रिटर्न आपको मिलता, तो यहाँ पे भी काफी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलता शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में। तो जैसे 42% हुआ अब आप इससे बाहर आ जाइए, क्योंकि यहाँ से करेक्शन भी हो सकता है, ऐसे में बाहर निकलना ही काफी बेहतरीन होगा। ये स्टॉक अभी चल रहा है इंडियन बैंक 126 रुपीज पर, जबकि SBI अभी देख सकते हैं 400 से ऊपर का हाई लगा चुका है अभी 395 रुपीज पर। अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे अभी इन्वेस्ट करने के लिए इसमें चल देंगे, क्योंकि जो तेजी है उसको देख करके लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करने से बचना है, क्योंकि ये सारे देख सकते हैं ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, तो अभी इन्वेस्ट करने से बचे, क्योंकि यहां से गिरावट आया तो फिर आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद भी वही है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको हम बताते रहते हैं कि जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे नीचे आया तो हमेशा बताते हैं नीचे जब भी मार्केट आए उस समय आपको बाइंग करना है SIP मोड में। उसके बाद अगला है पंजाब नेशनल बैंक, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है अभी रिटर्न देने के, मतलब शॉर्ट टर्म में जो है अभी 40 रुपीज का मात्र ये स्टॉक है और यहाँ पर देखिए रिटर्न तो ये भी जबरदस्त रिटर्न दिया है बजट से पहले अगर बाय के रहते 24% का रिटर्न। तो ये भी अगर आप बजट से पहले शॉर्ट टर्म के लिए बाय के रहते तो 24% का ये रिटर्न देता, और जब वहीं SBI इंडियन बैंक ये 40% से भी एबव का रिटर्न दिया और ये 24% का। उसके बाद जो अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिया बजट से पहले बाय के रहते, देखते हैं 24% का रिटर्न। अभी इसका करेंट प्राइस है 82 रुपीज 80 पैसा
और ये पिछले दिन भी अप था, पीएनबी में वही गिरावट कंटिन्यू हो चुका है। तो कौन से स्टॉक में करेक्शन होगा, कौन से स्टॉक में तेजी बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यही है, टाइम टाइम पर आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इन सारे स्टॉक्स आपको अवॉइड करना है। जो सस्ते स्टॉक है, जैसे अभी भी ये सब स्टॉक जो है पेशे हुए काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी करेक्शन हो सकता है अगर मार्केट में गिरावट होता। अगर मार्केट में रैली बनी रहे तो ये और ज़्यादा रिटर्न भी यहाँ से दे सकता है, लेकिन सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। मार्केट में करेक्शन, बहुत सारे स्टॉक आपको नीचे के प्राइस पर मिल जाएंगे। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया अगला है, बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है 22% का। अगर आप इसमें भी अगर इन्वेस्ट किए रहते हैं 28 जनवरी को बजट से पहले, तो बजट से पहले इन्वेस्ट करने में होता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज है तो बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक में आपको तेजी देखने मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में भी काफी तेजी है, कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। अभी बैंक ऑफ इंडिया का करेंट प्राइस है 59.45 रुपीज। ये सारे स्टॉक तभी आपको बाय करना जब काफी सस्ते, देखिए 30 रुपीज पे स्टॉक मिल रहा था, जब सस्ते मिल रहे हैं काफी सस्ते वैल्यूएशन पर उस समय इन्वेस्ट करना। अभी भी ये सारे स्टॉक काफी सस्ते हैं, लेकिन अगर बात करें रिटर्न का तो लॉन्ग टर्म में ये सारे स्टॉक आपको उतने बेहतरीन रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जो तेजी है ये तेजी कंटिन्यू रह सकता है और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो जैसे आप अभी पोजीशन बनाए थे पहले बजट से पहले 30% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले डरना है, क्योंकि जो तेजी इसको देख करके बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अभी पोजीशन बनाने के लिए सोचेंगे, लेकिन ये रैली आपको छूट चुका है तो अभी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब रैली ओवर होने पर है, खत्म होने पे है, तो अब पोजीशन आपको नहीं बनाना है, अब पोजीशन बनाने से आपको बचना है। और कैनरा बैंक ये देख लीजिए 160 रुपीज़ पे अभी चल रहा है, इसमें भी करेक्शन थोड़ा सा हो रहा है, और ये भी बैंक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बजट से पहले इन्वेस्ट करते 26% का रिटर्न। वही जो एक और बैंक है यूनियन बैंक, यूनियन बैंक भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मतलब जो PSU बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में, ये भी देख लीजिए रिटर्न दिया है 17% का, और 34.75 रुपये पर अभी चल रहा है। तो ये सारे PSU स्टॉक है जो कि अच्छा खासा रिटर्न दिए। इसके अलावा भी जो PSU बैंक का जो इंडेक्स है, PSU बैंक स्टॉक, उसमें 11 स्टॉक है, उसमें से मैंने आपको कुल 7 स्टॉक बताए जो अच्छा खासा रिटर्न दिया है बजट से पहले, और सारे स्टॉक में उतनी तेजी नहीं है जितना कि इन सारे स्टॉक्स में है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा कि अभी आपको पोजीशन बनाने से बचना है। अगर आपने पोजीशन बनाया था तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि हमने काफी बार SBI आपको बताया था कि जब 160 रुपीज पर था कि PSU बैंक में एक ही स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, वो है SBI, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारे स्टॉक उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपके लिए काफी अच्छे अच्छे स्टॉक हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो उन सारे वीडियोस को देखिए और सीखिए कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है, और डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।